सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मैंने न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते आज की कुछ खास खबरें। डार्लिंग फिल्म शेफाली शाह के साथ भरे बाजार में हुई थी बदतमीजी, एक्ट्रेस का सालों बाद अब जलका दर्द। शेफाली शाह ओटीटी स्पेस में सबसे भरोसेमंद चेहरे में से एक है। एक्ट्रेस हर किरदार में आसानी से फिट हो जाती है और उनके वर्सेटाइटल टैलेंट की खूब सराहना भी होती है। हाल ही में दिल्ली क्राइम एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि भीड़ वाली जगह पर उनसे बदतमीजी की गई थी। दरअसल शेफाली हाल ही में एक पॉडकास्ट का हिस्सा बनी थी, इसी दौरान उन्होंने अपने साथ बीच बाजार में हुई छेड़छाड़ का किस्सा शेयर किया था। शेफाली शाह के साथ भरे बाजार में हुई थी बदतमीजी। NAI पॉडकास्ट के दौरान शेफाली ने मीरा नायरा की मॉनसून वेडिंग के बारे में बता बात की। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल प्ले किया था जिसका बचपन में यौन शोषण हुआ था। इसी दौरान शेफाली शाह ने खुलासा किया, जैसे मैंने पहले कहा, हर कोई इससे गुजर चुका है। मुझसे याद है कि भीड़ भरे बाजार में घूमना और गलत तरीके से छुआ जाना और इसके बारे में बकवास महसूस करना, और कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं यह नहीं कहूंगी कि यह ग्लिटी थी, लेकिन यह सिर्फ शर्मनाक है, दोषी महसूस करते हैं और शर्मनाक लगता है। वही जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपने उसे इनवाइट करने के लिए कुछ किया था, तो इस सवाल पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं क्या मैंने कुछ किया, आप दोषी महसूस करते हैं, शर्मनाक और आप भूल जाओ महसूस करते हैं, इसे कालीन की तरह की चीज के नीचे फेंक दो। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता मैंने इस बारे में इतना सोचा है कि यह बोलने के लिए एक जरूरी बातचीत है। यह कुछ ऐसा था जो सीधे मेरे और पूरे फिल्म के अंदर समा गया था। शेफाली शाह वर्क फ्रंट। शेफाली शाह को हाल ही में दिल्ली क्राइम डॉक्टर जी और डार्लिंग्स में दमदार अदाकारी दिखाते देखा गया था। आलिया भट्ट की डार्लिंग्स में उन्होंने घर घरेलू हिस्सा पीड़िता की माँ का रोल प्ले किया था। शेफाली ने 1998 में राम गोपाल वर्मी की फिल्म सत्या के एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शेफाली की एक्टिंग भी जमकर तारीफ हुई थी। उन्होंने क्रिटिक्स की ओर से फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इनके अलावा शेफाली ने गांधी माई फादर, दिल धड़कने दो ब्रदर्स, द जंगल बुक और कमांडो जैसी शानदार फिल्मों में भी काम किया है। नोरा फतेही ड्रेस की वजह से हुई ट्रोल, लोगों ने बताया कबूतर। एक्टर डांसर नोरा फतेही हाल ही में ट्रोल्स के निशाने पर थी। ट्रोलिंग हुई उनकी ओवरसाइज ड्रेस की वजह से। नोरा एक अवार्ड शो में पहुंची थी, उन्होंने व्हाइट कलर की एक ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में तो गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इससे स्लीव बहुत ही अजीब थी। इसके स्लीव्स कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे कि ड्रेस की बाजुओं से झाग निकल आया हो। ना तो यह खुली हुई थी, ना ही वीवी, इन्हें आप बैलून स्लीव कह सकते हैं, जिनके आगे दस्ताने थे, मतलब कि नोरा के हाथ भी चिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि गलतियां होते तो नोरा के लिए यह स्लीव संभालना आसान नहीं होता। अब जिस तरह हमने इन स्लीव को बोतल से निकलने वाले जाग से कंपेयर किया, वैसे सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इन ड्रेस को लेकर तमाम तरह के कमेंट किए। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा, कबूतर विजय ने लिखा, मैंने कबूतर को घर में बंद किया था, यह फोटोशूट करवा रहा है। सोनाली ने लिखा, नोरा प्रैक्टिस कर रही है कि मोटी हो जाएगी तो कैसे लगेगी। शुभम ने लिखा, नोरा इतनी वेस्टेज क्यों करी, इतने में तो 10 बच्चों के कपड़े बन जाते। आरती ने लिखा, शायद डिजाइनर लास्ट मिनट में बाजू सिलना भूल गया। वैसे नोरा की फोटो पर इस तरह की कमेंटबाजी होना कोई हैरानी की बात नहीं। सोशल मीडिया पर उनके 44.8 मिलियन फॉलोअर्स है। वह जब भी तस्वीरें वीडियो शेयर करते हैं तो उन पर लाइक्स कमेंट्स की बाढ़ आ जाती। हाइकर पार्ट पर बात करें तो नोरा हाल में थैंक गॉड एक्शन हीरो में नजर आई थी। इसके अलावा उसने 5-2 प्रोजेक्ट मरगा एक्सप्रेस, 100% 100 का नाम तो आपने बिग बॉस में भी सुना होगा। साजिश खान लंबे समय बाद बतौर डायरेक्ट इस फिल्म से वापसी कर रहे हैं। बेहद दर्दनाक थी इस एक्ट्रेस की मौत, हुआ ऐसा हाल कि ठेले पर ले जानी थी पड़ी लाश। विमी लाइफ फैक्ट। बात आज 60-70 के दशक की एक चर्चित एक्ट्रेस रही विमी की, जिनकी लाश आज बात 60-70 के दशक की एक चर्चित एक्ट्रेस रही विमी की, जिनकी लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली विमी रातों रात स्टार बन गई थी। एक्ट्रेस की लाइफ में आने वाले दिन काफी शानदार थे, हालांकि आगे चलकर ऐसा कुछ हुआ जिसे जानकर आप भी एक पल के लिए
सैम जाएंगे। क्या थी विमी की कहानी और कितना दर्दनाक हादसा, एक्ट्रेस कहां थे यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। फिल्मों में आने से पहले दो बच्चों की मां बन गई थी विमी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विमी की शादी कलकत्ता के मशहूर बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से हुई थी। इस शादी से विमी के घर दो बच्चों का जन्म हुआ था। कहते एक फंक्शन में तब के म्यूजिक डायरेक्टर रहे रवि ने विमी को देखा और उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया था। रवि ने ही विमी को डायरेक्टर बीआर चोपड़ा से मिलवाया था, जिन्होंने आगे चलकर फिल्म अमराज से उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म अमराज की सफलता के बाद विमी की गिनती बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस में से एक जाने लगी थी। बेहद दर्दनाक था विमी का अंत। विमी की लाइफ में एक दौर ऐसा भी आया जब उनके पास ना तो फिल्में थी, ना ही पैसा और ना पति का साथ। इस दौर में विमी एक प्रोड्यूसर जॉली के संपर्क में थी, जिन्होंने उन्हें शराब पीने की भयंकर लत लगा दी। इस लत के चलते विमी की यह हालत हो गई थी कि मात्र 34 साल की उम्र में उनका पूरा लिवर खराब हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विमी को जॉली ने ही मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उनका 22 अगस्त 1977 को निधन हो गया था। विमी इतनी बदकिस्मत थी कि उनकी लाश को ठेले पर ले जाया गया था। वहीं उनके अंतिम संस्कार में भी मुट्ठी भर लोग भी शामिल हुए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, आईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त चलाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।